हाय फ्रेंड्स, फर्स्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू नर्सिंग हब। नर्सिंग हब में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो ओडिशा सब कोऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ नर्स का जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। ये पेपर फिलहाल 19 तारीख को ही हुआ था, ठीक है। जिन्होंने एग्जाम दिया है वो अपना पेपर यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पर से हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आज का जो वीडियो में जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे वो थोड़े रेशनल के साथ कराएंगे ताकि आपको और कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आप गलत ना कर दो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द मिल्क आफ्टर पिचुरेशन, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पर जो मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए SH, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ACTH और ऑप्शन डी ऑक्सीटॉक्सिन। यहाँ पर आपसे पूछा है जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर सिक्रेशन पूछा है इसीलिए यहाँ पर आपका प्रोलैक्टिन जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर भी आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क के बारे में दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन के बारे में पूछे यहाँ पर प्रोलैक्टिन होगा, और ब्रेस्ट मिल्क का इजैक्युलेशन के बारे में पूछे तो वहाँ पर आपका ऑक्सीटॉक्सिन होगा। इस दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से याद कर लेना। आपको ब्रेस्ट मिल्क का यहाँ पर प्रोडक्शन पूछे उसके लिए प्रोलैक्टिन होगा, और इजैक्युलेशन पूछे तो वहाँ पर ऑक्सीटॉक्सिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेबी इज एडमिटेड इन टू विद अ हिस्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आफ्टर ईच फीडिंग, ऑन एग्जामिनेशन इट इज अ फाउंड द पाइलोरिक स्पिंचर इज अ थिकड एंड डज नॉट ओपन रेडिली बिकॉज ऑफ बेबी लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस बरबर हिज ब्लड प्रोबेबली इंडिकेटेड। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, एक बेबी यहाँ पर जो हॉस्पिटल में एडमिट हुई है किसकी यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग की हिस्ट्री के साथ वो एडमिट हुई है, ठीक है। उसको स्पाइलोरिक स्पिंचर है वो ठीक है और यहाँ पर प्रॉपरली यहाँ पर ओपन हुआ नहीं है, आपसे ये पूछा है। और बेबी का यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस है और यहाँ पर बेबी का लॉस हो चुका है, और यहाँ पर ब्लड में किसकी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्या इंडिकेट करता है, वो आपका क्वेश्चन ए है। सबसे पहले तो हम बात करें जो बेबी का यहाँ पर स्टमच हो गया, ठीक है। यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर है, यहाँ पर स्पाइलोरिक स्पिंचर होता है, ठीक है। यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर ठीक है, यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर प्रॉपरली यहाँ पर ओपन नहीं होगा, इस कंडीशन को हम बोलेंगे स्पाइलोरिक स्टेनोसिस बोलेंगे। और पाइलोरिक स्टेनोसिस का यहाँ पर फीचर बोले या मोस्ट कॉमन फीचर बोले, कॉम्प्लिकेशन बोले, वो होती है प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, ठीक है। बेबी को यहाँ पर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है तो उसके ब्लड में क्या होगा, ठीक है, उसका जो गैस्ट्रिक जूस है यहाँ पर स्टमच होगा, स्टमच में कौन सा जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस होगा। तो यहाँ पर पाइलोरिक स्पिंचर है वो यहाँ पर प्रॉपरली ओपन नहीं होगा, तो यहाँ पर के जो है ब्लॉकेज हो जाएगा, जो हमारा जो कंटेंट होता है फूड का वो आगे नहीं जा पाता, यहाँ पर कंटेंट यहाँ पर वॉमिटिंग के कारण यहाँ पर से बाहर आ जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, उस कंडीशन में अल्कलोसिस हो जाता है क्योंकि एसिड का लॉस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर सी आपका अल्कलोसिस वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESR इज अ कंसीडर टू बी मेजर ऑफ फॉलोइंग ब्लड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पर ESR के बारे में पूछा है। आपका ऑप्शन ए स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइड सॉल्यूशन, ऑप्शन बी ब्लड सस्पेंशियल प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी वॉल्यूम ऑफ ब्लड सेल्युलर पार्ट और ऑप्शन डी ब्लड विस्कोसिटी। ESR बेसिकली क्या है, ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि ESR है वो ब्लड विस्कोसिटी को यहाँ पर इंडिकेट करता है, तो आपका यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट रे द आई इज कंट्रोल बाय, जो हमारी जो लाइट रे होती है वो आई में किसे कंट्रोल होती है, आपसे एक क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है मगर काफ़ी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन है प्यूपिल, ऑप्शन बी आइरिस, ऑप्शन सी कॉर्निया और ऑप्शन डी लेंस। तो यहाँ पर जो लाइट होती है उसकी रे को यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है, तो उसकी रे को यहाँ पर प्यूपिल कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी आई में जो प्यूपिल होती है वो हम ब्राइट लाइट में जाते हैं
तो हमारी प्यूपिल है वो कॉन्स्टेंटली खोटी है, ठीक है। यहाँ पर जो प्यूपिल है वो सिकुड़ जाती है और हम, ठीक है, लो लाइट में जाते हैं, ठीक है, डिम लाइट में जाते हैं तो हमारी प्यूपिल यहाँ पर डायलेट हो जाती है, ठीक है, प्यूपिल की साइज इंक्रीज हो जाती है। तो लाइट की यहाँ पर कौन कंट्रोल करता है, लाइट की रे को, लाइट की रे को हमारी प्यूपिल यहाँ पर कंट्रोल करती है। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर प्यूपिल होगा। आप इस इमेज में अच्छी तरीके से देख सकते हो कि लाइट, ब्राइट लाइट में प्यूपिल है वो छोटी हो जाती है और लो लाइट में प्यूपिल है वो बड़ी हो जाती है। इस कारण से पता चलता है हमें कि हमारी जो लाइट रे है उसको प्यूपिल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलोस्ट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर, एक गैलोस्ट्रैक्शन है किसके लिए यूज होता है। तो गैलोस्ट्रैक्शन है वो फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर के लिए यूज होता है। किसके, फीमर बोन के शाफ्ट में फ्रैक्चर हुआ है उसको हम गैलोस्ट्रैक्शन दे सकते हैं, ठीक है। फिक्स ये आंसर राइट होगा। इसका इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, तो गैलोस्ट्रैक्शन का यहाँ पर इमेज, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। और ये कॉमनली चिल्ड्रन में यूज होता है, बच्चों में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एन इन्फंट इज टू रिसीव थायरोसिन सोडियम 0.35 mg वंस अ डे ओरली, द मेडिकेशन इज अवेलेबल इन एक्सिलर फॉर्म 0.25 mg पर ml, हाउ मैनी एक्सिलर शुड द नर्स एडमिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पर डोज कैलकुलेशन का आपको क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट कैसे करेंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दूंगा कि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होता है, डिजायर वॉल्यूम होता है, उससे हमें वॉल्यूम को साथ मल्टीप्लाई करना है और उसको यहाँ पर टोटल हमारे पास कितना डोज अवेलेबल है उसके साथ डिवाइड करना है, जो आंसर होगा हमारा, जो आंसर राइट होगा। यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर कितना अवेलेबल है, यहाँ प्रिस्क्रिप्शन में कितना है कि 0.35 mg हमें उसको देना है और हमारे पास अवेलेबल कितना है, तो 0.25 यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.35 है, उसको हमने 0.25 से डिवाइड किया है। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, तो यहाँ पर से पॉइंट के पीछे दो नंबर है, यहाँ पर भी पॉइंट के पीछे दो नंबर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ये 100 और 100 को हम उड़ा देंगे और लास्ट में जो 35 है और 25 है उसका हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 1.4 होगा। कितना होगा, 1.4। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.4 ml आपका राइट आंसर है। कैसे आएगा, तो आप यहाँ पर से देख सकते हो। आगे बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एज ऑफ सेफ्टी द नर्स इज अवेयर मेडिकेशन इज द नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावेनसली। ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि किस मेडिकेशन को हम आईवी नहीं दे सकते, आपको ऐसा पूछा है। आपके ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी लेजिक्स, ऑप्शन सी डेक्सट्रोज और ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। यहाँ पर लेक्सिक्स है उसको भी हम आईवी दे सकते हैं, डेक्सट्रोज इसको भी हम आईवी दे सकते हैं और कैल्शियम ग्लूकोनेट उसको भी दे सकते हैं, मगर उसके साथ भी थोड़ी अवेयरनेस चाहिए। मगर हमारा आंसर है वही होगा पोटेशियम क्लोराइड, उसको हम कभी भी आईवी नहीं देते। तो आपका राइट आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख सकते हो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो यहाँ पर एबीजी का क्वेश्चन है। इसका एबीजी का मतलब होता है जो आर्टेरियल ब्लड केस, उसमें एसिडोसिस अल्कलोसिस वाले क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक में से होते ही है। आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहो तो हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां पर से देख सकते हो। एक क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है वो देखते हैं। एंड एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट, यहां पर एबीजी एनालिसिस की रिपोर्ट बता रही है कि हमारी जो पीएच है वो 7.20 है। इसका मतलब पीएच है वो लो है। नॉर्मली पीएच कितनी होती है, तो नॉर्मली पीएच हम बात करें, नॉर्मली ब्लड की पीएच होती है 7.35 से 7.45 के बीच में होती है। यहाँ पर PCO2 की वैल्यू है 35 mmHg। नॉर्मली PCO2 कितनी होती है, PCO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45 के बीच में। इसका मतलब PCO2 यहाँ पर नॉर्मल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। और HCO3 है वो कितना होता है, HCO3 की हम बात करें बाइकार्बोनेट की, तो बाइकार्बोनेट होता है नॉर्मली 22 से 28 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर HCO3 है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर कम है। पीएच हमारी 7.35 से कम है, इसका मतलब वो कंडीशन में एसिडोसिस है। इसका मतलब अल्कोलोसिस वाले ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर हो गए ही नहीं, अल्कोलोसिस वाले, एसिडोसिस वाले यहाँ पर दो होते हैं।
यहाँ पर बाइकार्बोनेट होगा, इसका मतलब यहाँ पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हमारा राइट होगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट की वैल्यू यहाँ पर कम है, इसका मतलब मेटाबॉलिक एसिडोसिस राइट होगा। आपका यहाँ पर ए आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट टू रिसीव, यहाँ पर क्लाइंट को यहाँ पर रिसीव हुई है 2000 ml ऑफ IV फ्लूड इन 12 आवर। अ ड्रॉप फैक्टर इज अ 10 GDD/mL एट हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट शुड द फ्लो रेट बी सेट। यहाँ पर यह भी डोज कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, इस पर भी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप वो देखना चाहे तो देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका नॉर्मली फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है जो हमारे पास जितनी वॉल्यूम दे रखी है उसको यहाँ पर पहला लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर GTD फैक्टर आप यहाँ पर देख सकते हो GTD फैक्टर है वो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर हमें 12 आवर में उसको देना है। यहाँ पर 12 आवर है तो 12 आवर को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर उसको 60 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो होगा वो हमारा आंसर होगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 27.77 ऐसा आएगा और 27.77 को हम 28 बोल सकते हैं, तो यहाँ पर 28 है आपके ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग ABG एनालिसिस ब्लड इज अ कलेक्ट फ्रॉम, ABG एनालिस के लिए हम ब्लड कहाँ से कलेक्ट करते हैं आपको ए पूछा है। आपके ऑप्शन है आर्टरी, ऑप्शन बी वेन और ऑप्शन सी कैपिलरी और ऑप्शन डी इट कैन बी टेकन फ्रॉम एनी साइड, आप किसी भी साइड से ले सकते हो। इसका नाम ही ABG है, इसका मतलब यहाँ पर हमें ब्लड है वो आर्टरी से लेना होता है, आर्टरी से ब्लड लेना होता है। आपको मैं एक क्वेश्चन बता दूं कि ABG एनालाइज करने से पहले हम कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं या कौन सा टेस्ट कर सकते हैं, आपको एक क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ABG एनालाइज के लिए पहले हम एलन टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं एलन टेस्ट, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, व्हेन टेकिंग अपाइकल पल्स वेयर शुड द नर्स प्लेस द स्टेथोस्कोप, यहाँ पर नर्स से वो अपाइकल पल्स उसको लेना है तो स्टेथोस्कोप कहाँ पर प्लेस करेगी, आपको क्वेश्चन में ये पूछा है। आपका ऑप्शन है जस्ट टू द लेफ्ट मीडियन पॉइंट ऑफ द स्टर्नम, आपका ऑप्शन बी है इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, आपका ऑप्शन सी है बिटवीन द सिक्स एंड फोर्थ लेफ्ट एक्सिलरी लाइन और आपका ऑप्शन डी है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ एंड टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, राइट आंसर बी होगा कि यहाँ पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन पर स्टेथोस्कोप प्लेस करेंगे तो हमें अपाइकल पल्स मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर IM इंजेक्शन शुड इंसर्ट द नीडल इनटू मसल एट एंगल, आपको यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि जो IM इंजेक्शन होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है उसमें हमें कितना एंगल बनाना होता है, आपको ये पूछा है, ठीक है। तो IM इंजेक्शन है उसका एंगल कितना होता है, उसका एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि यहाँ पर IM इंजेक्शन है, सबक्यूटेनस इंजेक्शन है, इंट्रावेनस है, इंट्राडर्मल है, तो IM इंजेक्शन है उसका एंगल होता है 90 डिग्री, इसका मतलब सीधा नीडल हमें इंसर्ट करना होता है यहाँ पर 90 डिग्री। SQ का पूछे तो वो उसका 45 होता है, यहाँ पर 45 बन रहा है। यहाँ पर IV का पूछे तो IV का होता है 25 होता है और ID का पूछे तो ID का होता है 10 से 15 के बीच में होता है, ऐसा भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छी तरीके से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड बॉडी प्रीपर्ड एनर्जी सोर्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स कौन सा न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को एनर्जी सोर्स है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है फैट, आपका ऑप्शन बी है प्रोटीन, आपका ऑप्शन सी है विटामिन और आपका ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो हमारी बॉडी का एनर्जी सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट है, वो आपका यहाँ पर डी आंसर है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स ऑब्जर्व द फिंगर ऑफ द कास्टेड ऑफ फोरआर्म ऑफ द पेशेंट विथ फ्रैक्चर अल्ना अल्ना आर पेल कूल एंड कैपिलरी रिफिल इज अ डिले,
तो क्या यहाँ पर इंटरप्रेट करेगी। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है, उस साइड पर पेल हो रहा है, कूल हो रहा है और कैपिलरी रिफिल है वो डिले हो रहा है, यहाँ पर कौन सा आंसर राइट होगा। तो यहाँ पर जो पेशेंट की यहाँ पर जो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई है वो यहाँ पर डिले हो रही है, वो आंसर राइट होगा। तो आपको यहाँ पर बी आंसर है वो राइट होगा। इस कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये फ्रैक्चर में आता है। आगे बात करें, वाइल एनजी ट्यूब फीडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, आप एनजी ट्यूब फीडिंग दे रहे हो तो यहाँ पर कौन सी यहाँ पर नर्सिंग एक्शन कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करेगी। आपका ऑप्शन ए एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी फ्लश विथ 20 ml ऑफ एयर, ऑप्शन सी प्रोवाइड हाई फाउलर पोजिशन और ऑप्शन डी प्लग द एयर वेंट ड्यूरिंग फीडिंग। यहाँ पर आप एनजी ट्यूब से फीडिंग दे रहे हो तो यहाँ पर आप पेशेंट को प्रोवाइड हाई फाउलर पोजिशन दोगे। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पर फाउलर हाई फाउलर पोजिशन देते हैं जिससे फीडिंग इजीली अंदर जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ फॉलोइंग इंटरवेंशन आर करेक्ट वेन यूजिंग द जेट ट्रैक मेथड ऑफ ड्रग इंजेक्शन एक्सेप्ट। यहाँ पर जेट ट्रैक इंजेक्शन हम देते हैं उनमें सभी मेथड यहाँ पर यूज़ करते हैं मगर एक मेथड यहाँ पर यूज़ नहीं करते, यहाँ पर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसका मतलब आप गलत जो है वो आपको पता करना है। तो आपको पता ही होगा इंजेक्शन साइट प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ अल्कोहल, वे तो सभी टेक्निक में हम करते हैं। यूज़ द नीडल एटलीस्ट 1 inch लॉन्ग, वो भी सही है। एस्पिरेट द ब्लड बिफोर इंजेक्शन, ठीक है, वो भी यहाँ पर सही है। रब द साइट विगोरसली आफ्टर इंजेक्शन प्रमोट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जेट ट्रैक मेथड होती है उसमें यहाँ पर साइट को हम कभी रब नहीं करते, यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स इज अबाउट कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरेथ्रा ट्रू एक्सेप्ट। नर्स यहाँ पर फीमेल प्रेग्नेंट लेडी को कैथेटराइज कर रही है तो उसको क्या पता होना चाहिए। ठीक है, सभी फैक्ट उसको पता होना चाहिए मगर एक फैक्ट है वो गलत है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। ये भी एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है इट इज़ अबाउट 1.5 inch इन लेंथ, आपका ऑप्शन बी है इट्स पोस्टीरियर टू वजनल ओरिफिस, आपका ऑप्शन सी है इट्स पियर्स थ्रू द यूरेथ्रोजेनाइटल डायाफ्राम, आपका ऑप्शन डी है इट इज स्ट्रेट एंड ऑफर्स माइनर रेजिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि इट इज अ पोस्टीरियर ओरिफाइस वजेनल ओरिफिस। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें तो वो होगा यूरेथ्रा होगा, उसके बाद वजेना होती है, उसके बाद यहाँ पर एनस या रेक्टम वो यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर एंटीरियर नहीं होता, वो यहाँ पर पोस्टीरियर लिखा है, इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है। यहाँ पर जो यूरेथ्रा होती है वो वजाइना से एंटीरियर होता है, उसके आगे होती है। आगे बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डू परकशन एंड पोस्टरल ड्रेनेज ऑफ द लंग्स इन ब्रोंकाइटिस, व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट अ नर्स शुड यूज। यहाँ पर पेशेंट को यहाँ पर ब्रोंकाइटिस हो रहा है, उसका परकशन नर्स कर रही है, उसके लिए कौन सी पोजिशन देगी। आपका ऑप्शन ए सुपाइन पोजीशन, ऑप्शन बी प्रोन पोजीशन, ऑप्शन बी डेबिक्यूटेटस पोजीशन और ऑप्शन डी सेमी फाउलर पोजीशन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आपको आंसर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर प्रोन पोजीशन उसको दे सकते हैं, बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एल्बो इज टू रिस्ट, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि एल्बो है वो रिस्ट से क्या होगा, प्रोक्सीमल होगा, ठीक है, वेंट्रल होगा, लेटरल होगा या डिस्टल होगा। यहाँ पर एल्बो है वो रिस्ट के पास है, इसका मतलब प्रॉक्सिमल का मतलब पास होता है, डिस्टल का मतलब दूर होता है। तो एल्बो है वो रिस्ट के पास नज़दीक में है, ठीक है, तो उसको प्रॉक्सिमल होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा प्रॉक्सिमल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट विथ नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब इन प्लेस फॉलोइंग अ कॉल ब्लेडर सर्जरी। ठीक है, यहाँ पर गीता है वो पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट से यहाँ पर रिटर्न हुई है और उसको एनजी ट्यूब यहाँ पर प्रेजेंट है। विथ सी कंटिन्यू टू कॉम्प्लेन ऑफ नोसिया, उसको नोसिया हो रहा है, तो विच एक्शन वुड द नर्स टेक फर्स्ट।
ठीक है, आपको यहाँ पर कौन सी एक्शन नर्स को लेनी चाहिए आपको ये पूछा है। आपका ऑप्शन है कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, वो फिजिशियन को तुरंत बुलाएगी। आपका ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब एंटी इमेटिक, वो पेशेंट को एंटी इमेटिक ड्रग देगी। ऑप्शन सी चेक द पेटेंसी ऑफ द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, वो चेक करेगी कि एनजी ट्यूब यहाँ पर प्लेस की है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। आपका ऑप्शन डी चेंज द पोजीशन, पेशेंट की पोजीशन चेंज करेगी। यहाँ पर पेशेंट को एनजी ट्यूब यहाँ पर इंसर्ट कर रखी है और पेशेंट को यहाँ पर नोजिया हो रखा है, तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एनजी ट्यूब है उसकी पेटेंसी चेक करेगा और उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो भी चेक करेगा। आपको यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ब्रोंकोस्कोपी, व्हेन द टीच द क्लाइंट व्हाट डू एक्सपेक्ट द आफ्टरवर्ड द नर्स हाईएस्ट प्रायोरिटी इन्फॉर्म वुड बी। ठीक है, क्लाइंट है वो ब्रोंकोस्कोपी से आया हुआ है, एक नर्सिंग ऑफिसर उसको टीचिंग कर रहा है, उसको हेल्थ एजुकेशन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पर सबसे हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होगी, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि यहाँ पर फ्लूइड और फ्लूइड हमें 2 घंटे के लिए यहाँ पर उसको होल्ड करना है, ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ सीवियर रिएक्टल ब्लीडिंग, 16 डायरियल स्टूल, ठीक है, सीवियर एब्डोमिनल पेन, टेनेसमस एंड डिहाइड्रेशन बिकॉज दिस सिम्टम द नर्स शुड बी अलर्ट फॉर अदर प्रॉब्लम एसोसिएट विथ डिजीज। यहाँ पर क्लाइंट को यहाँ पर रेक्टल ब्लीडिंग हो रखा है, उसको एक दिन में 16 बार डायरिया हुआ है और सीवियर एब्डोमिनल पेन हुआ है और टेनेसमस हुआ है और डिहाइड्रेशन भी क्लाइंट को हुआ है, तो कौन सी कंडीशन यहाँ पर उसकी डिजीज क्या है वो आपको पता करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉन्स डिजीज से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से, डाइवर्टिकुलाइटिस से और ऑप्शन डी पेरिटोनाइटिस से। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस, बी आंसर है वो राइट होगा। ये सभी उसके सिम्टम है, रेक्टल ब्लीडिंग होगा, डायरिया होगा, एब्डोमिनल पेन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वो सभी अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडल्ट हैज जस्ट बीन ब्रॉट इन बाय एम्बुलेट आफ्टर अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। ठीक है, एक एडल्ट है उसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है, उसको इमरजेंसी में लाया गया है। व्हेन असिस्ट द क्लाइंट, तो यहाँ पर क्लाइंट को नर्सिंग ऑफिसर असिस्ट कर रहा है, द नर्स वुड एक्सपेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन कुड हैव रिजल्ट फ्रॉम सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्यूलेशन। यहाँ पर सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम उसका स्टिम्यूलेट हुआ है, यहाँ पर कौन सा यहाँ पर साइन उसको देखने को मिलेगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा कि रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, वो आपका यहाँ सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिम्युलेट होगा उसमें देखने को मिलेगा। आपका यहाँ पर ए आंसर है वो करेक्ट।